आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अमेजन पर एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कैसे पेमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेजन पर एटीएम कार्ड या किसी और कार्ड से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अमेजन को ओपन करना है। अमेजन ओपन करने के बाद आप जो भी सामान लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए ऊपर में एक सर्च बॉक्स दिया गया है, तो आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी सामान लेना चाहते हैं आपको वह चीज़ टाइप कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमको घड़ी चाहिए तो हम यहाँ पर वॉच लिख लिए हैं। टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जो भी सामान सर्च कीजिएगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सामान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सामान लेना है आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए, फ़िलहाल हमको यह वॉच चाहिए तो हम इस वॉच पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस हुआ एड्रेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीवर टू दिस एड्रेस, तो आपको डिलीवर टू दिस एड्रेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी और किसी भी कार्ड से आपको पेमेंट करना है, तो आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप जो भी कार्ड से यहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं उस कार्ड को नंबर डाल देना है। अगर आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिस भी कार्ड से आप सामान खरीदना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर कार्ड का नंबर डालना होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम जो भी नंबर है हम अपना कार्ड का वह डाल लिए हैं। ऊपर में आपको एक कार्ड होल्डर का नाम दिखता है, तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नेम भी टाइप कर लेना है। तो नेम डालने के बाद, कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे में एक एक्सपायरी मंथ पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी मंथ डालना है। तो चलिए, यहाँ पर पाँचवा महीना मेरा, तो पाँचवा महीना डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी ईयर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी ईयर भी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा 2021 है तो यहाँ पर 2021 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड योर कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, कंफर्मेशन कोड जाएगा। उस कोड को डालने के बाद आपको जैसे ही कंफर्म कीजिएगा कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आप जिस भी चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अमेजन पर एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।